चलो स्टार्ट। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम वैलेंटाइन डे के दिन बैठे हैं कैफे में, और मेरे बहुत ही खास दोस्त यश अभी भाई और यहाँ पे रोहित भाई बहुत ही उदास है साथ में हमारे दिन भाई, क्योंकि इनकी वैलेंटाइन इनको धोखा दे दिया इसीलिए। हाँ यश जी, क्या करने वाले आज वैलेंटाइन डे के दिन? आप आईटी लैब जाने भाई जी। अमित भाई बताइए, चाय की चुस्की किसी के साथ के अकेले? रोहित भाई आपका क्या कहना है इस विषय पे? जा चुकी है वो। हाँ मेरी जान। दीपक भैया अभी हम भगवा कपड़ा चकेंगे और आए उसके बाद लट्ठा, वो तो भगवान बचाए कब उसको हम लोगों से। एक घंटे के बाद कम डाउन। तो एक घंटे बाद चाय आ गई है सबकी, और सब अपनी चाय की चुस्की ले रहे हैं। चीयर्स भाई साहब। जे यार नी बड़ाड़ा गोरिये, रोहित भाई वाला गाना गा लो यार एक बार। या तो रोहित भाई प्लीज हमारे सब्सक्राइबर से एक लाइन बोलेंगे आप? हाँ मेरी जान। तो दोस्तों ड्रिंक लेके हम आ गए बाहर, और यहाँ पे पीछे पेट कट रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। और मेरे भाई लोग तो बहुत ही ज्यादा दुख में हैं। भाई जी धोखा मिल गया सुबह सुबह। भाई हम कोई दुख में नहीं, हम बहुत खुश है आज, मोटे खुश है। अभी तो आप गिरने में जाइए अभी भी खुशी है, अभी तो उसने आपको चाय भी कम दी। ये देखो मेरा भाई, हम स्टिल भाई होके भी लगे। पक्का भाई, ये मेरा भाई है छोटा भाई। मेरे पापा गए थे इनके घर एक बार, ये मेरा छोटा भाई है। तो ये हो गए थे, ये मेरा छोटा भाई है, ये इसको मैंने पाला है बहुत ही प्यार से, इसको मैंने सब कुछ दिया है। नहीं कुछ नहीं दिया इस आदमी, अपने पहले वेंडर कार। मैं इस आदमी से एक चीज मांग रहा हूँ, जाओ पूछ के आओ, बात करके आओ उससे, आपसे इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही। जाओ जाओ, वो देखो वो खड़ी पर्पल में परे। बहुत बोरिंग है आज का दिन, माँ के साथ मोटा ही बोरिंग। दोस्तों ये है हमारा कॉलेज, अब पता नहीं कपल है इसमें जी नहीं, पर अपना पेट कट रहा है बड़ा खतरनाक तरीके से। कहाँ चले गया वो पेट काटने वाला भाई? हो भाई जी पेट काटने वाला कहाँ गया? दिखे ही नहीं आ रहे, मैं तो कूद जाता वहां। आप दिखे थे, ये दिखे थे आपको अंधेरे में? झूठ बोल रहे हैं यार, टॉर्च मारी। इनके दांत दिखे, बोले दांत चमके हैं। मेरे को तो भाई के जूते चमके, गोरे गोरे जूते कैसे आ रहे खुद चल के, खुद ही चल के। जब किसी का दिल टूटता है ना बंदा ऐसी बातें करता है। मैं लुढ़ाई चल के आती है तो सीधी सीधी चल के आ रही, क्या हो गया? दोस्तों आधे घंटे वक्त उड़ाने के बाद क्या लग रहा है? बिल्कुल कमाल का, हमारा ऐसा ही होता है। आपके हाथों में अच्छा नहीं लग रहा साइमन। भाई जी क्यों क्या क्यों बेइज्जती इतनी? भाई जी देखो ऐसा है, हमने बहुत करवाई है, अब हमारी बारी है करने की। ओके ओके ओके, बेइज्जती करनी है किसी की, आप ही आ सकते हैं, आइए। दीपक भाई कुछ कहना चाहेंगे आप इन लॉन्डो के बारे में? कह सकते हैं। और ये है हमारे सुजल भाई, दीपक भाई के बहुत अच्छे खास दोस्त। ठीक है सुजल भाई, कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस याद आ रही है, काफी टाइम बाद कॉलेज आया तो
पुरानी मेमोरीज काफी फ्लैशबैक आ रहे हैं इधर। उस टाइम मेमोरीज में दो ही थे आपकी, दो से ज्यादा? नहीं, मेमोरीज तो काफी सारे दोस्तों के साथ ही, पढ़ाई सब कुछ मिला के। पढ़ाई तो की नहीं, खैर किया पूरा टाइम दोस्तों के साथ, चिल फन गप्पे, बस यही था। ना किसी से डर, ना किसी की और चीज के ऊपर फोकस, बस बच्चे हो गया पूरे दिन भर। गुड गुड गुड। तो आ गई है हमारी बस और साइमन ने हाथ फेर दिया है। क्या ये बस रुकेगी? है ओ देखा, पीछे जाओ, दे भाई पीछे जाओ। तुम तीन लोग ठीक नहीं हो भाई। हमारा कट गया फिर से भाई, आपको देख के बस हो गई हमारी शक्ल ही गई है, शक्ल ही बेकार है भाई। सही बात है, आप आ गया हो। अमित भाई यार शक्ल ही बेकार है हमारी यार, क्या करे। यश भाई हमारे जीप में भाई आगे खड़े थे, बात बस मेरी बुकिंग नहीं है। अरे यार दुखी बहुत है, उफ दुख पीड़ा तकलीफ, इतना स्कोप है फिर भी हमारी गलती, इतना स्कोप। तो दोस्तों बस तो चली नहीं, पर मेरे दोस्त चल पड़े हैं पैदल दो पैरों में आगे को। ट्रैवलर में जाना भाई हो अब क्या। आई कितना बोरिंग है आज का दिन यार, बोर हो कहती होगी माह के समझे। चले फिर दोस्तों चलते आगे को, दिखाते हैं आपको। तो मेरे दोस्तों को इस गाने को सुन के हर लड़के के माइंड में एक लड़की आई है, इधर भी दीपक भाई के माइंड में भी, विजय भाई के भी, रोहित भाई आपके माइंड में तो कुछ और ही चल रहा है। सो दोस्तों एक बार फिर से हम नोगली बीच पहुंचने वाले हैं, सस्ता सा बीच, दीपक भाई और अमित भाई का बीच। अमित भाई क्या, देखो ये अमित भाई इस बीच के मालिक है, मेरी प्रॉपर्टी। और ये हमारा, और ये सुजल भाई आज इनने ज्वाइन किया हमको हमारे ग्रुप में। आज नए एक सुजल भाई है, एक अमित भाई है और एक यश भाई, इनको आप पहले भी जानते होंगे लेकिन हमारे ब्लॉग में आज पहली बार आ रहे हैं। और ये अमित भाई पहली बार आ रहे हैं। मेरी बुरी किस्मत, मुझे तो आप जानते ही हो मेरी बुरी किस्मत। वेलकम टू सस्ता बीच। कोई गोवा ना जा पाए तो रामपुर जरूर आए, क्योंकि यहाँ पे है हमारा बीच। यही है सबके बीच, और यही है हमारा बीच। टूरिस्ट भी आए हुए हैं आज, तो टूरिस्ट भी आए हुए हैं, बच्चों का छुट्टियां मनाया जा रहा है। आपकी क्या सीरियस बातें चली हुई है? रेता बेचो। अरे भाई जी मोटा पैसा बेचो, मोटा पैसा है भाई जी, पूरा पैर अंदर तक घुस गया था मेरा, इतना रेता है इसको यार। भाई जी आप ही करेंगे अब शुरू, लग रहा है मेरे को दो नंबर का धंधा यही शुरू हो सकता है, इतना रेता। सो दोस्तों अभी एक काफी दुखद समाचार है हमारे बीच। जैसा उस दिन परसों मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे देखिए दुर्गा माता की मूर्ति थी, कोई मादर चोद इसको तोड़ के चला गया यहाँ से, पता नहीं किसके काम है क्योंकि मेरे को इस पानी में वो दिख रही है। और मैं एक तांत्रिक से प्रबंध करता हूँ, पता करता हूँ, झाड़ फूक उठाता हूँ उसके ऊपर। चलिए सुजल भाई कर सकते हैं हम इस पर रिसर्च तो कुछ ना, लेकिन भैंचू होगा कौन बंदा यार। और देखो इसके हाथ भी तोड़े हुए हैं भैंचू, कोई मादर चोदी होगा ऐसा। चलो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हिंदू तो होने से रहा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के भाजी? एकदम शांत ऐसा लग रहा है। फिर कई को हमने बचाया भी था जो अच्छे थे। ये इनकलाब इनकलाब नहीं, ये हमारा साइमन। साइमन ओए ओए भाई, इससे गोरा आदमी पूरे रामपुर में नहीं है भाई। साइमन देखो देखो ढंग से, साइमन गो बैक टू इंग्लैंड। साइमन साइमन ब्लैक एंड व्हाइट, देखो 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 सेम सेम हमारा स्किन टोन देखो साइमन। और ये हमारा कलुआ, कलुआ ओ कलुआ, कलुआ ठीक है ना तू? इसके मुंह से सुन के मुझे बुरा भी नहीं लग रहा। कलुआ कलुआ ठीक है, ठीक है रे। अगर ऐसे आदमी कलुए बोल रहे तो मैं बहुत गोरुआ हूँ। मैं कलुआ ही ठीक हूँ। ये हमारे अनीश भाई, जूस पिए भाई जी आप? ये मतलब कुछ भी नहीं खा सकते। वैसे जूस पे जी रहे, ये सिर्फ धोखा खा सकते हैं। भर भर के। ये हमारा दूसरा लौंडा, पता नहीं क्यों तो शेड्स लगा के आया है भाई। तू क्या कहना चाह रहा है भाई? ब्रो मैं इस दुनिया की बुराई नहीं देखना चाहता भाई, बुरा तो होता रहता है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा परे को तैरना ना, इधर को बुरा लगेगा। चलिए अपने दोस्तों से पूछते हैं कि हाँ भाई क्यों सिंगल हो आप लोग? दीपक भाई क्यों है आप सिंगल भाई जी?
अभी हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हम डिस्प्रेशन में हैं। किस चीज में है? डिस्प्रेशन में है जी। डिस्प्रेशन में? डिस्प्रेशन में है। इतना कितना डिस्प्रेशन है? अमित भाई ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। इट इज व्हाट इट इज। रोहित भाई बताएगा और को अच्छा आंसर। रोहित भाई क्योंकि मैं हैंडसम हूं। साइमन के स्टैंडर्ड की तो यहां बंदी नहीं है। ओ वाह 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 वाह। क्योंकि मैं हैंडसम हैंडसम हूं भाई जी। सुजल भाई आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप हो भी सिंगल भाई जी? आप पे तो शक है मुझे। इनको 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 पूछो क्वेश्चन। सुजल भाई आप मुझे मुझ में बदसूरती भरी पड़ी हुई है सो मुझे कोई नहीं देखता। मुझे कोई नहीं देता। मतलब मुझे कोई नहीं देता। दे देते पर मेरा कोई नहीं होता। ओके ओके। यश भाई यश भाई क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूं भाई जी। जिसके पीछे आप पढ़ते हैं उसको कोई और ही उड़ा लेता है। समझ सकता हूँ समझ सकता हूँ। कोई नहीं भाई जी कोई नहीं मुन्ना okay, कोई okay. नहीं है। ठीक है भाई जी ठीक है। सेम सेम क्वेश्चन आपसे है आप सिंगल क्यों? हाँ मेरी जान। आंसर देना पड़ेगा मेरी जान। ब्रो आई एम सिंगल बाय चॉइस नॉट बाय चांस। ओह क्योंकि हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने तकलीफों ना डील करना होता है। सो दोस्तों यहां पे नोगले बीच में हमारी छोटी सी पार्टी चली है। पार्टी हो गई है। टैट 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 पार्टी हो गई है। अरे गेड़ो यार ये मैं हूं ये बोलो रोहित भाई आप। ये मैं हूँ ये मेरे बच्चो दोस्त है और ये पार्टी हो रही है। टर्न 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 ये हमारा वैलेंटाइन हो रहा है। साइमन ये चाहिए गो दे दो या मैं ले लूं। दे दो मैं झुकना पड़ता रहने के लिए। ओ भाई मुंह में ले लो। फक यू साइमन फक यू। तू बैक टू कंट्री निगा निगा निगाना निगाना। अबे मालिक चोटी कर रहे हो निगाना। ये वाला वो पी तू लाले मेरे को साइमन You fucking ginger. टूटे मकान एक बार गिर के बंदे कहा है जैसे निकले उन राहों पर जैसे थे तूने अपने दिल से बनाए। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं वापस। वो सीढ़ी की मत डालना। अनफिल्टर्ड चैनल में आ पड़ेगा तुम्हारे अंदर आगे से भाई ऐसे नहीं चलेगा तुम्हारा मैंने देख लिया है। वैसे किसी की बंदी नहीं है। अरे किसी की तो होगी यार। साइमन तो साइमन यू फकिंग ट्रेटर। आई आई या देन इज फीलिंग ऑल आई नो। इतने अकेले हमारे बंदे साइमन को उठा के घुमा रहे। इतने अकेले इतने बुरे दिन आ गए बोलो। गो बैक साइमन। बंदिया देखिए भाई जी किस रेत की तरह होती है। ये रेत भी आपके हाथों में हमारे हाथों में तो वो भी नहीं है भाई जी यार। एग्जांपल सुनो जितना टाइट आप फोल्ड कर लो अपनी उनका पैर नहीं आ रहा था दोस्तों। मेरा पैर ले गए दोस्तों। जो मेरा पैर वापस लाए दोस्तों तो मुझे वापस देना भूल गए दोस्तों। अभी मेरी हाइट छोड़ जाएगी दोस्तों। भाई बिखरने का मुझको शौक है बड़ा समेटेगा मुझको तू बता जरा।
तो दोस्तों इसी गाने के साथ मिलते हैं आपको गाइस, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गो बैक साइमन, साइमन गो बैक। इसी के साथ वेलेंटाइन डे मना चुके हैं सारे के सारे भाई। आप फ्री टी शर्ट अभी भी हम पे रूल कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। अभी बोले गाना गाओ और अभी गाना पड़ रहा है। ये फ्री टी शर्ट मंगा दो यार। अच्छा मैं बताता हूँ एक कप क्या हो रही है, देखिए। यहाँ पे दीपक भाई जो है ये थोड़े से काले, यश भाई इनसे थोड़े और काले, अनीश भाई इनसे और थोड़े काले, अमित भाई थोड़े मेरी तरह है, और सबसे गोरा सुशील भाई रह गए। सुशील भाई हमारी कैटेगरी के मतलब ना थोड़े थोड़े गोरे, और इन सबसे गोरा मैं हूँ, तो इनने मेरे को साइमन नाम दिया हुआ है। तो कुछ भी काम हो रहा तो ये कह रहे हैं कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक टू योर कंट्री, डोंट एवर शो योर चिकना फेस अगेन। ओके चलो दोस्तों फिर मिलते हैं इंग्लैंड में।